दादी नानी के असरदार घरेलू टिप्स। यदि दूध की मलाई में एक चम्मच चीनी डालकर फेंटा जाए तो मक्खन ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अगर दही नहीं जमा है तो एक समतल थाली में पानी लें और फिर इसमें दही वाले बर्तन को रखें। फिर देखिए, एक घंटे में दही जमकर तैयार हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, बर्तन हिलना नहीं चाहिए, उसे एकदम स्थिर रखें। हरी मिर्च की डंडी तोड़कर फ्रिज में रखने से हरी मिर्च अधिक समय तक ताज़ा बनी रहती है। अगर दाल वगैरह कुछ भी पकाते समय प्रेशर कुकर के ढक्कन से पानी निकलने लगे तो दाल उबलते वक्त कुकर में एक स्टील की कटोरी रख दें। इससे दाल उफनेगी नहीं, सीटी से सिर्फ स्टीम निकलेगी। मिक्सर जार में कुछ पीसने के बाद कई बार उसमें उस चीज़ की महक आने लगती है या पिसी हुई चीज़ के निशान बन जाते हैं। ऐसे में आप जार को पानी से धोकर डिशवॉशिंग लिक्विड की कुछ बूंदें डालकर एक बार मिक्सर को चला दें। इससे मिक्सर के ब्लेड और जार अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। जार की ब्लेड को तेज रखने के लिए महीने में एक बार नमक डालकर चला लें। सिंक से चिपचिपापन दूर करने के लिए एक कप सिरका व थोड़े से बेकिंग सोडा का उपयोग करें। उबलते समय चावल के दाने आपस में चिपक जाते हैं, उन्हें अलग अलग करने के लिए पतीले में नींबू के रस की कुछ बूंदें डाल दें, जिससे चावल खिले खिले हो जाएंगे। अगर गुथा हुआ आटा गीला और चिपकने लग जाए तो हाथ और थाली में घी लगाकर गूंथें। गुड़ या शक्कर की चाशनी बनाते समय एक चम्मच दूध में नींबू का रस डाल देने से मैल ऊपर आ जाता है। पुराने आलू को उबालते समय पानी में थोड़ा सा नींबू का रस डाल देने से वह सफ़ेद होने के साथ साथ खाने में भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। प्याज को छीलकर पानी में 20 मिनट के लिए रख दें। इससे आप बिना आंसू बहाए प्याज को काट पाएंगे। अक्सर आलू ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखने से अंकुरित होने लगते हैं या फिर सड़ने लगते हैं। आलू को खराब होने से बचाने के लिए उसे हमेशा सेब के साथ रखें। कभी भी आलू को प्याज के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आलू जल्दी अंकुरित होने लगते हैं। दोस्तों, आज की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।